टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल ड्राइव। इट इज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द ड्राइवर एंड द फॉलोवर और ड्रिवन। ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो वेलोसिटी का अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो इट इज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द ड्राइवर एंड द ड्रिवन। इट मे बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकल एज डिस्कस्ड। वो मैथमेटिकल में देखेंगे, जहाँ पर D1 जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ द ड्राइवर, D2 होता है डायमीटर ऑफ द फॉलोवर, और N1 होता है स्पीड ऑफ द ड्राइवर जो कि RPM में होती है, N2 होती है स्पीड ऑफ द फॉलोवर इन RPM। तो इसमें दो व्हील होते हैं, एक होता है ड्राइवर और एक होता है ड्रिवन। इसके बीच में बेल्ट को लगाया जाता है। अब बेल्ट में लगाने के बाद इसमें जो ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम ड्रिवन बोला जाता है, या इसको हम फॉलोवर भी बोलते हैं। ये फर्स्ट वाली पुल्ली है और ये सेकंड वाली पुल्ली है। फर्स्ट पुल्ली का डायमीटर D1 रहेगा, इसका डायमीटर D2 रहेगा, इसका स्पीड N1 रहेगा, इसका स्पीड N2 रहेगा। इसी टाइप से इसमें हम D1, D2, N1, N2 को जानते हैं। D1 होता है डायमीटर ऑफ द ड्राइवर, D2 होता है डायमीटर ऑफ द फॉलोवर, और N1 होता है स्पीड ऑफ द ड्राइवर इन RPM, N2 होता है स्पीड ऑफ द फॉलोवर इन RPM। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये फार्मूला होता है जब यहाँ पर नेगलेक्टिंग थिकनेस और थिकनेस कंसीडर ना की जाए तब के लिए होता है। और एक होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 प्लस T अपॉन D2 प्लस T, जब कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट, बेल्ट की थिकनेस दी जाती हो, उनको ये वाला फार्मूला लगाना है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है V इक्वल टू पाई DN अपॉन 60। और जो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में जो स्पीड जो रेशियो होता है वेलोसिटी रेशियो, N4 अपॉन N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4। अगर चार पुल्ली का है, अगर मेन पुल्ली, फिर ड्रिवन, फिर उसके ऊपर एक और पुल्ली, फिर यहाँ पर ड्रिवन, और इसको इस टाइप से बनाया गया है, ये होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जो होता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में हमारे पास 1 पुल्ली 2 पुल्ली 3 और 4, चार पुल्ली होती है, इसलिए हमारे पास ये वाला होता है N4 अपॉन N1 इक्वल D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4। ये होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए। पढ़ेंगे स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होता है, बेल्ट की स्लिप क्या होता है। व्हेन द फ्रिक्शनल ग्रिप बिकम्स इनसफिशियंट, दिस मे कॉज सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ड्राइवर विदाउट कैरिंग द बेल्ट इन विथ इट। दिस मे आल्सो कॉज सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बेल्ट विदाउट कैरिंग द ड्रिवन पुल्ली विथ इट। दिस इज कॉल्ड स्लिप ऑफ द बेल्ट। स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होता है, जब भी बेल्ट इनसफिशियंट पोजिशन में अगर अटैच है ग्रिप में, जो फ्रिक्शनल ग्रिप होती है वहाँ पर, और जब ड्राइवर स्पीड से रोटेट करता है तो उसमें फॉरवर्ड मोशन में, तो जो ड्रिवन होता है ड्रिवन वाले हिस्से से, ये फॉरवर्ड से स्लिप होता है, जिसको हम स्लिप ऑफ बेल्ट बोलते हैं। व्हेन द फ्रिक्शनल ग्रिप बिकम्स इनसफिशियंट, दिस मे कॉज सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ड्राइवर विदाउट कैरिंग द बेल्ट विथ इट। दिस मे आल्सो कॉज सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बेल्ट विदाउट कैरिंग द ड्रिवन पुल्ली, दिस इज कॉल्ड स्लिप ऑफ द बेल्ट। मैथमेटिकल में स्लिप ऑफ द बेल्ट का फार्मूला होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू 1 माइनस S अपॉन 100। ये होता है नेगलेक्टिंग थिकनेस के लिए। N1 N2 है, N1 है ड्राइवर फर्स्ट पुल्ली का स्पीड, N2 है सेकंड पुल्ली की स्पीड, D1 है डायमीटर ऑफ फर्स्ट पुल्ली, D2 होता है डायमीटर ऑफ सेकंड पुल्ली, S होता है स्लिप ऑफ द बेल्ट जो कि दिया जाता है परसेंटेज में डिनोट करते हैं। जब कंसीडरिंग थिकनेस होता है, जबके लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है N2 अपॉन N1 इक्वल D1 प्लस T अपॉन D2 प्लस T 1 माइनस S अपॉन 100। ये होता है कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला ये होता है, अगर हमारे पास चार पुल्ली वाला है तो N4 अपॉन N1 इक्वल D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4। इसमें दो स्लिप आ जाती है क्योंकि फॉलोवर में स्लिप होता है, तो 1 माइनस S1 अपॉन 100, 1 माइनस S2 अपॉन 100। ये होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए स्लिप ऑफ द बेल्ट। इस तरीके से हम पढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट एंड स्लिप ऑफ द बेल्ट।